हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ हिट के एंटी रॉट जेल का। फ्रेंड्स, ये जो है वो कॉकरोचेस के लिए आते हैं। मेरे घर में जो है वो बहुत ज्यादा कॉकरोच हो गए थे। मैं नहीं थी घर पे, 3 महीने के लिए अपने घर चली गई थी, और मैं जब से आई हूँ तब से जो है वो मैं कॉकरोचेस के पीछे पड़ी हुई हूँ, बट वो खत्म नहीं हो रहे हैं। इससे पहले जो है वो मैंने हिट का ही ये मॉस्किटो वाला यूज किया था। ये आप देख सकते हो, मैंने बड़ा वाला जार लिया था और इसको मैंने यूज किया। इससे पहले एक छोटा जार भी मैंने मंगाया था, बट इससे जो है मैं 100% जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाई, बिकॉज इससे इंस्टेंट तो कॉकरोचेस मर जाते हैं, बट अगर उनके ऊपर स्प्रे डल जाता है तो वो मर जाते हैं और फिर वापस से जो है वो उनका तांडव शुरू हो जाता है। लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल किया है तब मुझे ऐसा लगा है कि मुझे इसके रिजल्ट जो है वो स्प्रे से जो है वो जेल के जो रिजल्ट है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे हैं। इसका प्राइस जो है वो 270 रुपीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है, बट ये आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएगा आराम से। मैंने इसे अमेजोन से मंगाया है। ये जो है वो सिरिंज के फॉर्म में है और इसके अंदर से जो है वो जेल निकलता है। आप इसको इस तरीके से ऊपर से जो है वो ओपन कर सकते हो। मैंने इसे यूज़ कर लिया है अपने किचन में और रिजल्ट जो है वो मुझे अच्छे लगे इसके। 80% तक जो है वो मेरे घर से कॉकरोच अब ख़त्म हो चुका है, तो मुझे इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, बिकॉज दिवाली का टाइम आ रहा है, बहुत सारे लोगों के घर में कॉकरोच हो जाते हैं, घर की साफ सफाई करनी होती है, तो इस केस में जो है ये काफी अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये इस टाइप से जो है ना जेल निकलता है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, येलो येलो सा ना इसके अंदर से जेल बाहर आता है। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं। तो इसको जो है मैंने अपने पूरे किचन के ऊपर जो है वो लगा दिया था। आपको दीवारों के ऊपर लगा देना है, ड्रॉर्स में जो है वो डॉट डॉट करके लगा देना है। एक ड्रॉर में आप 3-4 डॉट डाल दीजिए, इतना ही इनफ होता है। इसके अंदर जो है कुछ मीठा होता है और जहर मिला होता है, इससे जो है कॉकरोच आते हैं, इनको खाते हैं और फिर वहीं पर मर जाते हैं। और ये जो है वो आपको 3-4 दिनों तक जो है ना अपने किचन में लगा कर छोड़ देना है। इससे जो है वो कोई भी स्मेल नहीं आती है, आपके जो मसाले हैं या फिर बर्तन है किचन में जो चीजें हैं वो खराब नहीं होती है। लेकिन जब मैंने हिट का ये स्प्रे वाला फॉर्म यूज किया था ना, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ड्रॉअर को खोलकर जो है उसके अंदर स्प्रे करना पड़ता था और इससे जो है सारे किचन के जो बर्तन है वो सारे समझ सकते हो आप जहरीले हो गए थे या उनमें स्मेल आ गई थी, तो उन सबको आपको क्लीन करना पड़ता है। तो उन सब के मामले में जो है ये वाला प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है, बिकॉज 270 रुपये इतने से ट्यूब के लिए हम पे करते हैं, और अभी जो है ना ये आधा ही खत्म हुआ है, आधा अभी बचा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना 10-15 दिन बाद मैं फिर से जो है वो डॉट लगाकर छोड़ दूंगी, ताकि जो है थोड़े बहुत और जो कॉकरोचेस बचे हैं वो भी खत्म हो जाए। तो इसका रिजल्ट जो है वो मुझे काफी अच्छा लगा। आप देख सकते हो मेरे किचन में जो है इस टाइम बहुत ज्यादा कॉकरोच हो गए हैं। मतलब हम लोग जब खाना वाना खा के कमरे में चले जाते थे और वापस से पानी पीने के लिए, अगर पानी लेने के लिए फ्रिज से किचन में आते थे और लाइट ऑन करते थे, तो ऐसा लगता था कि स्लैब के ऊपर ना पूरा, मतलब लाइट ऑफ होते ही कॉकरोचेस की पार्टी स्टार्ट हो जाती है, पूरे स्लैब पे घूमने लगते थे। ऐसा भी नहीं है कि किचन गंदा होता था, किचन जो है वो टाइम टू टाइम क्लीन होता है। नाइट में मैं क्लीन करके सोती हूँ किचन को, लेकिन फिर भी जो है वो कॉकरोचेस ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। बंद घर में कई बार हो जाता है ऐसा, तो उससे जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और इसको लगाकर जो है वो मैंने 3-4 दिनों तक छोड़ दिया था। उसके बाद का रिजल्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे स्लैब के ऊपर जो है वो बहुत सारे कॉकरोचेस मरे हुए हैं। आप ड्रॉर्स वगैरह में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे कॉकरोचेस मरे हुए हैं। तो मैंने स्लैब वगैरह का जो है ना फर्स्ट डे वाले दिन ही क्लीन कर दिया था, तो उसका मैं शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, बाद में भी जो मरते रहे ना धीरे धीरे, तो उनका मैंने शूट करके आपको दिखा दिया है, क्योंकि लंबे समय तक जो है वो कॉकरोचेस को स्लैब के ऊपर छोड़ना तो थोड़ा मुश्किल था। अनमारियों में और जो भी चीज जगह थी नीचे की जगह पे, तो मैंने छोड़ दिया था, बट स्लैब के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि मैं उनको ऐसे मरे हुए छोड़ दूं। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हो वो 4 दिन बाद की है, यानी कि मैंने संडे को जो है वो यहाँ पे रात को लगा के छोड़ा था, और फ्राइडे को जो फ्राइडे का जो ये आप देख रहे हो ना, ये शूट जो है वो फ्राइडे का है, मतलब 4 से 5 दिनों तक जो है वो मैंने इसको लगे हुए छोड़ दिया था। अभी भी जो है वो थोड़ा बहुत डॉट मैंने लगे हुए छोड़ दिया है, तो एक आधा कॉकरोच जो है ना वो मुझे अभी भी
बास्केट वगैरह में या फिर ड्रॉअर वगैरह में देखने को मिल जाते हैं मरा हुआ, तो अच्छा लगता है। मतलब कोई भी चीज जो है आप परचेज करते हो और यूज करते हो तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो मैं इस प्रोडक्ट से जो है वो सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपके घर में भी जो है वो कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप ये वाला जो है वो ट्राई कर सकते हो, इसका बेटर रिजल्ट है। मैं किसी को भी बुरा नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, दोनों सेम ब्रांड के ही हैं, बट इसके बारे में जो है ना वो लोगों को अभी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसके बारे में जो है वो सब जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है, बट मुझे इससे जो है ना वो इसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर लगा। थोड़ा सा कॉस्टली है बट ठीक है, ये वाला जो आप लेते हो वो भी आपको 250-300 रुपए में तो मिलता ही है, ये भी जो है वो 280 रुपए का है। और इससे जो है वो आपके किचन भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, स्मेल आ जाती है किचन के अंदर, बर्तन वगैरह सब गंदे हो जाते हैं, आपको सफाई करनी पड़ेगी दोबारा। तो इसका रिजल्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपके घर में भी कॉकरोच हो गए हैं तो आप इसको लगाकर जो है वो आराम से छोड़ सकते हो, लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत आसानी से जो है वो कॉकरोच मर जाते हैं। तो आज का रिव्यू आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से वीडियो टेस्टर फैमिली के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय।